कोकोनट ऑयल के बेनिफिट्स तो सभी को पता है, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, स्किन हेयर बेनिफिट्स हैं। कोकोनट ऑयल एक ऐसा ऑयल है जिसको हर घर में यूज़ किया जाता है। कुछ लोग खाना बनाने में यूज़ करते हैं, कुछ लोग हेयर के लिए, कुछ लोग स्किन के लिए यूज़ करते हैं। पर क्या ये सारे स्किन टाइप्स वालों के लिए होता है? अब ये तो सबने सुना होगा कि जो कोकोनट ऑयल है उससे एक्ने की प्रॉब्लम दूर होती है, दाग धब्बे दूर होते हैं। पर बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, इवन मुझे भी पहले कोकोनट ऑयल जब भी मैं अपने स्किन पर लगाती थी मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता था, पर अब मैं जब इसको यूज़ करती हूँ तो मुझे इसके फ़ायदे नज़र आते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कोकोनट ऑयल क्या सारे स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, कौन से स्किन टाइप्स को कैसे यूज़ करना चाहिए और कौन सा कोकोनट ऑयल हमें यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप भी ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि कोकोनट ऑयल कैसे हमारे स्किन के लिए बेनिफिशियल होता है। तो जो कोकोनट ऑयल होता है उसमें होता है 0 कोलेस्ट्रॉल, साथ ही साथ इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मीन्स 90% फैटी एसिड्स होते हैं। इसके अलावा एक लॉरिक एसिड होता है, कैप्रिक एसिड्स होते हैं, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसके कारण कि ये जो ऑयल है ये किसी भी डिसीज़ को बढ़ने से पहले ही रोक देता है और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। बहुत ही कोकोनट ऑयल में जो लॉरिक एसिड होता है वो जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज़ होते हैं उनको किल करता है। साथ ही साथ एक रिसर्च से पता चला कि ये जो एसिड है ये बेंजोइल परऑक्साइड से भी ज़्यादा जल्दी आपके स्किन पे काम करता है और अच्छे से काम करता है। बेंजोइल परऑक्साइड जिनको भी एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम है उनको पता ही होगा, आप कहीं भी डॉक्टर के पास चले जाओ वो एक जो ऑइंटमेंट है ये क्रीम है ये लिखते ही लिखते हैं। और कुछ लोग तो बिना किसी डॉक्टर के सजेशन के बिना ही बेंजोइल परऑक्साइड यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है आपने आपकी स्किन से जो भी एक्ने पिंपल है उनको दूर करने में। कोकोनट ऑयल की एक और ख़ास बात ये है कि ये सिर्फ एक्ने की प्रॉब्लम को ही दूर नहीं करता है बल्कि पोस्ट एक्ने की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। मतलब एक्ने के बाद जो दाग धब्बे गड्ढे हो जाते हैं उनकी प्रॉब्लम को दूर करता है। अगर आपकी स्किन जल गई है, पिगमेंटेशन है, झुर्रियाँ हैं आपको, ये सारी प्रॉब्लम भी कोकोनट ऑयल दूर करता है। तो अब बात करते हैं क्या कोकोनट ऑयल सारे स्किन टाइप्स वालों को सूट करता है और अगर नहीं करता है तो उसके क्या रीज़न्स हैं और कौन से स्किन टाइप्स वालों के लिए सबसे अच्छा होता है। तो कोकोनट ऑयल जो है वो सारे स्किन टाइप्स वालों को सूट नहीं करता है। कोकोनट ऑयल अच्छा होता है ड्राई स्किन के लिए और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए उतना अच्छा नहीं होता। अब आपको ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कॉम्बिनेशन स्किन और ऑयली स्किन में काफ़ी डिफरेंस होता है। जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है वो ड्राई और ऑयली स्किन का मिक्सचर होती है। मतलब जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है उनका सिर्फ टी जोन जो है वो ऑयली होता है, बाकी सारी स्किन जो है वो ड्राई नहीं तो नॉर्मल होती है। और ड्राई स्किन वाले जो है उनको ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो उनकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करे, हाइड्रेट रखे। तो कोकोनट ऑयल से अच्छा कोई चीज़ हो ही नहीं सकती स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करने के लिए। तो ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ऑयली स्किन के लिए ये अच्छा उतना अच्छा नहीं होता है। फिर भी बहुत सारे ऑयली स्किन वालों पे भी कोकोनट ऑयल काम करता है अगर वो सही ढंग से कोकोनट ऑयल को यूज़ करते हैं। अब जानते हैं कि ऑयली स्किन वालों के लिए ये जो कोकोनट ऑयल है क्यों अच्छे से काम नहीं करता, क्यों ऑयली स्किन वाले जब इसको यूज़ करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। जो कोकोनट ऑयल है उसमें होते हैं फैटी एसिड्स, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि 90% इसमें फैटी एसिड्स होते हैं जिसके कारण ये कॉमेटोजेनिक होता है। कॉमेटोजेनिक होने का मतलब है कि ये बहुत ही जल्दी आपके जो भी पोर्स हैं उनको क्लॉग करता है। जो भी प्रोडक्ट कॉमेटोजेनिक होते हैं वो आपके पोर्स को क्लॉग करते हैं और प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसलिए कहा जाता है जिनकी भी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, उनको सनस्क्रीन क्रीम्स ऐसी यूज़ करने चाहिए जो नॉन कॉमेटोजेनिक हो। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है और क्लॉक पोर्स का प्रॉब्लम रहता है तो आप बिल्कुल भी कोकोनट ऑयल को यूज़ नहीं कीजिए, पर अगर आपको क्लॉक पोर्स का प्रॉब्लम नहीं रहता है तो आप कोकोनट ऑयल को यूज़ कर सकते हैं।
ड्राई स्किन वाले कोकोनट ऑयल को कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये लोग तो मसाज करके रात भर लगे भी रहने दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर जिनकी भी कॉम्बिनेशन स्किन है या फिर ऑयली स्किन है वो लोग इसको ऐसा बिल्कुल नहीं करें कि रात भर लगा रहने दें या दिन में भी 4-4, 5-5 घंटे ऑयल अपने स्किन पे लगा छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर ऑयली स्किन है तो आप इसको आधा 1 घंटे लगाइए और वॉश कर लीजिए, और कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी ऐसे ही करें, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इसको नहीं लगाएं। अब बात करते हैं कि हमें कौन सा कोकोनट ऑयल यूज़ करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग हैं जो कोई भी कोकोनट ऑयल अपने स्किन पे यूज़ कर लेते हैं, जिसके कारण उनको जो कोकोनट ऑयल की गुडनेस है वो नहीं मिल पाती और जो कोकोनट ऑयल है वो स्किन को हार्म पहुंचाता है। कोकोनट ऑयल मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के मिल जाएंगे, बहुत सारे टाइप्स के मिल जाएंगे। कोकोनट ऑयल 3 टाइप्स के होते हैं, एक रिफाइंड ऑयल होता है, एक अनरिफाइंड ऑयल होता है और एक प्रोसेस्ड ऑयल होता है। जब रिफाइंड ऑयल या प्रोसेस्ड ऑयल को बनाया जाता है तो इसमें बहुत सारी केमिकल प्रोसेसिंग होती है, जिसके कारण इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं और वो फिर स्किन के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। और जब अनरिफाइंड मतलब वर्जिन कोकोनट ऑयल को बनाया जाता है तो ऐसी कोई केमिकल प्रोसेसिंग नहीं होती है, जिसके कारण उनके जो न्यूट्रिशन है वो ख़त्म हो जाए, जिसके कारण स्किन के लिए वो काफ़ी अच्छा होता है। इसीलिए आपका कोई भी स्किन टाइप हो, अगर आप बालों के लिए या फिर स्किन के लिए अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ करना चाहते हैं और उसकी गुडनेस लेना चाहते हैं तो हमेशा वर्जिन कोकोनट ऑयल या फिर कोकोनट वर्जिन ऑयल देख के ही परचेज करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कोकोनट ऑयल अवेलेबल हैं। मुझे जो भी अच्छे लगते हैं वर्जिन कोकोनट वर्जिन ऑयल, मैं उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोकोनट ऑयल को यूज़ कैसे करना चाहिए। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप डायरेक्ट स्किन पर लगा लीजिए, अच्छे से मसाज कर लीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप चाहे तो इसमें विटामिन ई का कैप्सूल मिक्स करके लगा सकते हैं, तो ये जो भी आपके रिंकल्स हैं उनकी प्रॉब्लम को दूर करता है, क्योंकि ड्राई स्किन वालों को रिंकल्स की, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम रहती है, तो इससे ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। आप चाहे तो अभी विंटर्स है तो उसमें ग्लिसरिन मिक्स करके लगा सकते हैं। ग्लिसरिन के साथ साथ अगर आपको लेमन सूट करता है तो आप उसमें लेमन की भी कुछ ड्रॉप्स मिक्स करके अपने स्किन पे लगा सकते हैं, और सिर्फ स्किन अपने फेस पे ही नहीं, आप पूरी बॉडी पे भी ग्लिसरिन मिक्स करके उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप कोकोनट ऑयल में 2-3 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल की मिक्स कर लीजिए और अपने फेस पे अच्छे से मसाज कर लीजिए। ये जो आप लगाएंगे अपने स्किन पे, ये बहुत देर तक लगा नहीं रहने देना है, बस आधा 1 घंटे लगा रहने दीजिए और वॉश कर लीजिए। टी ट्री ऑयल बहुत अच्छा होता है अगर आपके एक्ने पिंपल हो, और कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स होके ये और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। इसके बाद अगर आपकी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप इसमें एलोवेरा जेल भी मिक्स करके लगा सकते हैं, और एलोवेरा के बेनिफिट्स तो इतने सारे हैं और ये भी कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स होके और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। थर्ड जो तरीका है, आप कोकोनट ऑयल में टर्मरिक मिक्स करके भी लगा सकते हैं। टर्मरिक अगर आप वाइल्ड टर्मरिक लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं है तो आप किचन हल्दी ही मिक्स करके लगा लीजिए। ये जो तरीके हैं तीनों, ये आपको अल्टरनेट डेज पे करना है, रोज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और आप इसको आधा 1 घंटे लगे रहने दीजिए और फिर वॉश कर लीजिए। इसके अलावा आप कोकोनट ऑयल को डीप क्लेंजर के जैसे, एक्सफोलिएटर के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आप कोकोनट ऑयल में शुगर मिक्स कर सकते हैं और उससे आप अच्छे से स्क्रब कर लीजिए। जो ग्रैन्यूल्स हों उनको आप थोड़ा सा बारीक कर लीजिए या बारीक ग्रैन्यूल्स वाले शुगर को यूज़ कीजिए। इसके अलावा आप उसमें कॉफ़ी मिला सकते हैं, तो कॉफ़ी और कोकोनट ऑयल मिलके बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर का काम करता है। इसके अलावा आप ग्रीन टी मिक्स कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे एक्सफोलिएटर का काम करता है। इसके अलावा एक और तरीका मैंने सुना हुआ है कोकोनट ऑयल को यूज़ करने का, और बहुत सारे लोग करते भी हैं, बहुत सारे वीडियोस भी हैं, तो वो है कोकोनट ऑयल में बेकिंग सोडा मिक्स करके अपने फेस पे लगा लीजिए, पिंपल के साइज़ को रिड्यूस करता है। तो बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है आपके पिंपल के साइज़ को रिड्यूस करने में, पर सबकी स्किन पे तो सूट नहीं करता है और स्किन के लिए हार्मफुल भी होता है, तो इसलिए आप ये चीज़ करने से बचें। कभी भी बेकिंग सोडा अपने फेस पे ना ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है,
और अगर सेंसिटिव स्किन है तो बिल्कुल भी ये ट्राई नहीं कीजिए। हाँ, कुछ लोगों की स्किन ऐसी होती है कि कुछ भी कर लें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, पर मैं कभी अपने फेस पे अपनी स्किन पे बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करती हूँ। मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि कभी बेकिंग सोडा अपने स्किन पे यूज़ तो नहीं ये कीजिए। था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड्स फैमिली अपने व्हाट्सएप पे हर जगह शेयर कीजिए। तो अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।